Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are quite well and enjoying your time. Today video is for the students of basic English learner. And this video is on infinitive. नाज़रीन आज की वीडियो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए है और ये इन्फिनेटिव के ऊपर है. माय लास्ट वीडियो वाज ऑन वर्बल्स जेरंड एंड पार्टिसिपल. इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज वॉच इट फर्स्ट सो दैट यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ वर्बल्स जेरंड एंड पार्टिसिपल. आज की वीडियो वर्बल इन्फिनेटिव के ऊपर है. वर्बल वो वर्ड होते हैं जो वर्ब से ड्राइव किए जाते हैं और इनको सेंटेंस में हम एज एन अदर वर्ड यूज करते हैं. तो दो वर्बल जेरंड और पार्टिसिपल मेरी लास्ट वाली वीडियो में आपने उसको अगर वॉच किया है तो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो में वर्बल इन्फिनेटिव के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा. इन्फिनेटिव हम वर्ब से बनाते हैं. वर्ब से पहले टू ऐड करते हैं. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. इन्फिनेटिव किसी भी सेंटेंस में डिफरेंट तरह से फंक्शन कर सकता है. लेट अस हैव अ व्यू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस. एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में इसको हम यूज करते हैं. टू ट्रेवल इज एक्साइटिंग. टू ट्रेवल इज इन्फिनेटिव. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव. टू ट्रेवल इज एक्साइटिंग. टू ट्रेवल यहां पे इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट हमने इसको यूज किया. दिस इज नाउन. हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं. ही लाइक्स टू ट्रेवल. टू ट्रेवल यहां पे ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का. तो टू ट्रेवल एज अ सब्जेक्ट, टू ट्रेवल एज अ ऑब्जेक्ट और ये नाउन के तौर पे दोनों जगह पे फंक्शन कर रहा है. एज एन एडजेक्टिव भी हम इसको यूज कर सकते हैं. इट वॉज टाइम टू गेट टूगेदर. टाइम इज अ नाउन. टू गेट इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. तो जो वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करे तो वो उसका हम एडजेक्टिव कहते हैं. दिस इज एडजेक्टिव. इस सेंटेंस में यहां पर ये इन्फिनेटिव टू गेट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन टाइम को मॉडिफाई कर रहा है. एज एन एडवर्ब हम कैसे यूज करते हैं इसको. ही लोअर्ड लॉर्ड हिज आर्म टू सिग्नल. उसने अपना हाथ नीचे किया, अपना बाजू नीचे किया इशारा करने के लिए. टू सिग्नल इन्फिनेटिव. सिग्नल प्लस प्रपोजिशन टू, दिस इज इन्फिनेटिव और ये इन्फिनेटिव वर्ब लॉर्ड को मॉडिफाई कर रहा है. लॉर्ड वर्ब है, टू सिग्नल इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है. तो यहां पे इसका फंक्शन एज एन एडवर्ब है. नाउन को मॉडिफाई यहां पे कर रहा है एडजेक्टिव और यहां पे वर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है. दिस इज एन एडवर्ब. इन्फिनेटिव फ्रेज. व्हाट इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज. जब कोई इन्फिनेटिव अपने मॉडिफायर्स या कॉम्प्लीमेंट्स के साथ आता है उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं. हेलो
आई वॉन्ट यू टू ड्राइव स्लोली. टू ड्राइव इन्फिनेटिव है, स्लोली जो है ये इसका मॉडिफायर है. तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज बनते हैं. इन्फिनेटिव प्लस मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऑल द वर्ड्स कॉल्ड इन्फिनेटिव फ्रेज. इन्फिनेटिव और प्रपोजिशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव एंड प्रपोजिशन? समटाइम इट इज कंफ्यूजिंग. लेट अस हैव अ व्यू व्हाट इज द प्रपोजिशन एंड व्हाट इज द इन्फिनेटिव. पहला सेंटेंस देखिए. He planned to graduate next year. To graduate, infinitive, to plus verb. To plus verb की first form infinitive कहलाता है. यहाँ पे ये infinitive है, preposition to के बाद हमने verb use किया. Next sentence देखें. You must go to the hospital now. To preposition plus noun, the hospital. To के बाद अगर noun या pronoun उसका object होता है, to का वो preposition, to का object होता है कोई भी noun या pronoun. यहां पे to जो है एज ए प्रपोजिशन यूज हुआ. यहां पे to वर्ड जो है ये verb के साथ जब हम इसको यूज करते हैं तो ये infinitive बनता है. टू के बाद हमेशा जब भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहलाता है. और यहां पे टू जो है वो प्रपोजिशन है, यहां पे टू प्लस वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव. टू प्लस वर्ब इज इन्फिनेटिव, टू प्लस नाउन और प्रोनाउन दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज. स्टूडेंट्स आई होप यू हैव concept of verbal infinitive. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and press bell icon so that you have my next upcoming videos on time. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.